नमस्कार। हिंदुस्तान में बहुत से वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं जो भारत की ही खोज हैं, भारत में ही बनाए गए हैं, लेकिन कई ऐसे वाद्य यंत्र बनाए गए जो भारत में विदेश से आए, लेकिन उन्होंने भारतीय संगीत में अपनी इस तरह से जगह बना ली, एक साख बना ली कि आज तक भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनकी ऐसी जगह है जैसे मानो कि वो हमारे ही हों। उन्हीं में से एक वाद्य है हारमोनियम। आप सभी लोगों का बहुत बहुप्रचलित हारमोनियम जो इंस्ट्रूमेंट है, आप सभी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और ज़्यादातर इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस अगर जानते हैं, अगर संगीत सीखना चाहते हैं, अगर उस लाइन में वो आते हैं, तो सबसे पहले अगर उनका कोई रुझान होता है तो वो हारमोनियम के प्रति होता है। भारतीय सिनेमा हो या भारतीय लोक संगीत हो, दोनों शैलियों में और भी अन्य कई शैलियों में हारमोनियम का इतना प्रचार प्रसार हुआ, जैसे कि आप सुनेंगे तो पुरानी जो हिंदी फिल्में हुआ करती थी, जो ओपी नैयर साहब का म्यूज़िक, उसमें हारमोनियम का इस तरह इस कदर इस्तेमाल होता था, मेरे ख्याल से वो खुद ही उसमें हारमोनियम बजाया करते थे अपने गीतों में। और कई फोक जो मेलोडीज़ हैं वो इस्तेमाल जब फिल्मों में होती थी तो उसमें हारमोनियम का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कव्वालियों में हारमोनियम का बहुत इस्तेमाल हुआ, फिर आप देखेंगे तो भजन संध्याओं में, भजन मंडलियों में, और फिर आप देखेंगे तो गज़लों में गायकों ने हारमोनियम का इस्तेमाल करना शुरू किया। शास्त्रीय संगीत में बहुत वक्त तक तानपुरा का इस्तेमाल हुआ करता था गायन के लिए, लेकिन धीरे धीरे गायन की संगत के लिए या तबला वादन जो बहुत देर में शुरू हुआ, सोलो तबला वादन, उसमें हारमोनियम पर लहरा देने के लिए, या कथक नृत्य जब हुआ करे तो हारमोनियम पर लहरा दिया जाए, ये जो प्रथा है धीरे 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 हारमोनियम में अपनी बहुत पकड़ बना ली हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस रूप में हारमोनियम को हम आज देखते हैं, हारमोनियम हमेशा इस रूप में था नहीं। यूरोप में अलेक्जेंडर नाम का कोई व्यक्ति रहा, उन्होंने पंप ऑर्गन का ईजाद किया। ऑर्गन का साउंड हारमोनियम का बहुत पुराना साउंड है। मैं कोई हारमोनियम पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है हारमोनियम को लेकर वो मैं आप सभी के साथ बांट रहा हूँ, जिसमें मुझे जहाँ तक मालूम है तो हारमोनियम जो आज हम देखते हैं इतना सा शॉर्ट एंड स्वीट हमको दिखता है, कितना छोटा सा है और जल्दी से पोर्टेबल भी हो गया, इजी टू कैरी भी हो गया, हर कोई बजा भी पा रहा है, हर कोई सीखना भी चाहता है, ऐसा वो वाद्य था नहीं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ग्रैंड पियानो हुआ करता है जो दोनों हाथों से बजता है, जिसकी लिड ऐसे खुलती है, इस प्रकार का ग्रैंड पियानो हुआ करता था और उसी को देख कर बनाया गया पंप ऑर्गन। पंप ऑर्गन या उसको कहें लेग हारमोनियम, जैसा कि आप मेरे सामने अभी देख सकते हैं। लेग हारमोनियम का ऊपरी जो पोर्शन है इस पर तो कीबोर्ड है, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे क्या इसमें कीज कहाँ हैं, बजता कैसे, रीड कैसी है और क्या इसका मैकेनिज्म है, वो पूरा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एक बार जो स्ट्रक्चर पुराना था वो हम देख लें और उसका कितनी सिमिलैरिटीज़ हमको आज के हारमोनियम में भी देखने को मिलती है वो हम जान लें। तो आज के हारमोनियम में जो धमन है, बेलो है, वो सामने की तरफ होती है, जो लेफ्ट हैंड से बजाई जाएगी या राइट हैंड से बजाई जाएगी, डिपेंड्स ऑन कि आपका डोमिनेंट हैंड कौन सा है कीबोर्ड पर। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट से आप धमन बजाते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप राइट से धमन बजाते हैं। लेकिन इस हारमोनियम में धमन नीचे होती है पाँव की तरफ, जैसे कि एक सिलाई मशीन में होगी, जैसे कि आप अगर सिलते हैं, कपड़े सिए जाते थे, तो उसमें पेडल नीचे हुआ करता था, यही पेडल, यही बेलो है इस हारमोनियम का, जिसको हम लेग हारमोनियम या फिर पंप ऑर्गन भी कह सकते हैं। महाराष्ट्र में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ, खास करके नाट्य संगीत में, जब नाटक हुआ करते थे उसमें अगर धुन बजेगी या संगीत होगा तो उसमें लेग हारमोनियम का बड़ा इस्तेमाल हुआ। और बहुत दिग्गज कलाकार महाराष्ट्र में ही हुए हैं, पुणे में हुए, मुंबई में हुए, जिन्होंने इस हारमोनियम का बड़ा प्रचार और प्रसार किया। मैं कुछ लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, जहाँ की ये शॉर्ट में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस हारमोनियम के बारे में, जो भी थोड़ा बहुत मुझे मालूम है वो मैंने जानकारी जहाँ से इकट्ठी की है, डिटेल में आप वहाँ जाकर दिग्गजों से, उनसे पर्सनली सुन सकते हैं उनके इंटरव्यूज़ में कि क्या इस हारमोनियम की हिस्ट्री है और क्या नहीं है। खैर, धीरे धीरे आते आते फिर आपने देखा इसका जो मैकेनिज्म है वो बदल गया, इसका पंप जो है वो नीचे की बजाय सामने आने लगा, और उसके बाद इसका जो ऑक्टेव है वो छोटा होने लगा, क्योंकि इतना ऑक्टेव जो ग्रैंड पियानो का ऑक्टेव होगा या इसका भी जो आपको देखने को भी मिलेगा जो 4.25 सप्तक का है, इतने सप्तक की गायकी हुआ नहीं करती है। हाँ, इंडियन क्लासिकल में ज़रूर मुमकिन है कि आप अगर मंद्र सप्तक या तार सप्तक में, अति तार अति मंद्र में ख्याल गायन और द्रुपद गायन अगर आप ले जाएं विस्तार में तो मुमकिन है, लेकिन जो सुगम गायन है वो इतना लंबा, इतने ज़्यादा सप्तक का नहीं होता है,
तो इसीलिए इसका शॉर्ट किया गया वर्जन जो 3 सप्तक या 3.25 सप्तक का है, जिसमें भी बस एक्स्ट्रा जो सप्तक दिए गए वो इसीलिए दिए गए ताकि आप कुछ म्यूज़िक उसमें ऐड ऑन करना चाहें। तो ये जो हारमोनियम मेरे सामने अभी है ये 4.25 सप्तक का है और ये पुराने स्टाइल का हारमोनियम है। अब इस हारमोनियम के रचयिता से हम मिल लेते हैं सचिन जी, जो सचिन जी महाराष्ट्र से आए हैं और ये हारमोनियम इन्होंने ही बनाया है। तो अभी थोड़ा इसके मैकेनिज्म के बारे में और ये इन्होंने कैसे बनाया, इसमें किस रीड का इस्तेमाल होता है, किस लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और क्या इसकी और स्पेशलिटी है उसके बारे में जानेंगे इनसे, और कहाँ इनका मैन्युफैक्चर होता है वो ये खुद आपको बताएंगे और इनका कॉन्टैक्ट आप तक पहुंचाया जाएगा। नॉर्मल हारमोनियम भी ये बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेग हारमोनियम बनाते हैं, जो नॉर्मल पोर्टेबल हारमोनियम है 3.5-3 सप्तक का वो भी बनाते हैं, अलग अलग रीड्स हैं और क्या इसका मैकेनिज्म है वो पूरा ये आपको समझाएंगे। तो ओवर टू यू, आप बताएं कि कैसे ये हारमोनियम बनता है और ख़ास बात इस हारमोनियम की क्या है, थोड़ा बहुत जो मैंने बताया उसके परे क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। खास बात तो एक पुराना स्टाइल का हारमोनियम रहता है लेग हारमोनियम जी, अभी जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो हमने अभी तक उसको बनाने की कोशिश रखी है अभी तक जी। 4.25 ऑक्टेव का रहता है लेकिन स्पेशल मेड है 4.25 ऑक्टेव का, इसमें मोहनलाल पालीटाना का रेड है, इसमें हाँ पालीटाना का रेड है मोहनलाल प्रीमियर वाला, और इसमें पूरी सागौनी लकड़ी बर्मा टिक का लकड़ा है। ठीक है, अच्छा थोड़ी जानकारी के लिए मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूँ, रीड जो इन्होंने अभी नाम लिया कि पालीताना रीड है, रीड इज़ बेसिकली द साउंड, जो साउंड आप लोग सुनते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बजा के अगर सुनाता हूँ तो अलग अलग साउंड इसमें लगे हुए हैं, जैसे ये जो साउंड अभी आपने सुना इसी ही को रीड, ये रीड की वजह से आ रहा है, अभी हम इसको ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ये पंप जो है, बेलो जिसको कहेंगे, वो नीचे है और ये इसके डिफरेंट स्टॉपर्स हैं, ये इसके छोटे ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स मतलब इसमें एक्स्ट्रा साउंड निकलेगा, जैसे कि अभी मैं बेलो अगर चालू करूं, ये आपको साउंड सुनने को मिल रहा है, ये पहली सफ़ेद का सी, सी पिच का साउंड है, ये मैं सारे स्टॉपर्स एक बार खोल देता हूँ, तो ये इससे रिजेंबल कर रहा है, फिर आप देखेंगे इसमें एक एक करके, ये सी शार्प का पहली काली का है, ये दूसरी काली का, ये ग अगर पहली काली से बोलेंगे तो ग, या फिर चौथा सफेद एफ पिच का ये है, ये एफ शार्प पिच का है, जी शार्प का है चौथे काले का, ये आपका पांचवे काले का ए शार्प का है। अब आप चाहें तो इसके कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं, जैसे ये पहला काला सा म का कॉम्बिनेशन बना दिया है, पहले काले का और तीसरे काले का मैंने खोल दिया, तो ये फिर अगर आप चाहें तो ये आप देखेंगे तो ये चौथे काले के हिसाब से तो सा रे ग म प बन गया, सा प बन गया और दूसरे का सा म बन गया, या फिर ये दूसरे का सा प बन गया। तो इस तरह से इसमें अलग अलग स्टॉपर्स का इस्तेमाल हो सकता है। डिफरेंट अगर आपको रीड के साउंड्स मैं आपको सुनाऊं तो वो कुछ इस तरह से हैं, ये सचिन जी कौन सा साउंड है, जैसे इसमें अलग अलग रीड आती हैं, बेस मेल और फीमेल, ये बेस का साउंड है आप सुन सकते हैं, और अगर ये सेकंड मैं खोलता हूं तो ये मेल का साउंड है, और फिर ये देखेंगे आप कि बेस थोड़ा मोटा था, मेल उससे थोड़ा पतला और फीमेल सबसे ज्यादा पतला है, ठीक है, और यही तीन मेरे ख्याल से यहां भी आगे भी हैं, है ना, ये डबल डबल कॉमन, बास मेल मेल फीमेल, ये आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग साउंड जा रहे हैं। यही रीड जिसकी ये बात कर रहे थे कि डिफरेंट रीड्स का ये कॉम्बिनेशन है। अब अगर इन रीड्स को सबको एक साथ अगर लगा दिया जाए
तो आपको टोटल साउंड सुनने को मिलता है। अब आप चाहें तो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ यही दो खोले तो ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे आपने बेस और फीमेल खोला है खाली तो ये साउंड आ रहा है। अब आप चाहें तो खाली बेस मेल खोल लीजिए, ये आपकी यूटिलिटी पे है, आपकी ज़रूरत पर है कि कब आपको कैसा साउंड चाहिए, क्या आप गाने के साथ संगत कर रहे हैं या फिर क्लासिकल के साथ संगत कर रहे हैं, तो भाई क्लासिकल के साथ उमूमन उतना कपलर या बेस वाला साउंड इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पतला साउंड इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब आप इसमें देखें, अगर मैं सिर्फ बेस रीड्स बंद ही कर दूं सारी और आपको फीमेल रीड सुनाऊं तो ये आपको सुनने को मिल गया। अब इसको आपको मैं अंदर से भी ज़रा सुना देता हूँ कि ये लिड यहाँ से ओपन हो जाती है, यही लिड है और ये तो इसके हैंडल्स हैं, लेकिन आप चाहें तो अगर इसका साउंड आपको बढ़ाना है तो आप इसको पूरी तरह से खोल दीजिए और ये आगे टिक जाएगा इस तरह से। ये आप चाहें तो इसको हाफ ओपन भी कर सकते हैं, ये इस तरह से आपने यहाँ पे टिका दिया तो ये हाफ ओपन हो गई लिड, और ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटेशंस वगैरह रखने के लिए या आईपैड या कोई किताब आप रख लेंगे तो इत्मीनान से उसमें देख देख के लिरिक्स देख के आप ये आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ आई नो आप लोग बड़ी क्यूरियोसिटी से नोट कर रहे होंगे कि उमूमन ऐसा होता नहीं कि हारमोनियम्स पर नाम लिखा हो, मगर इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा नाम लिखा हुआ है मास्टर निषाद, और अंदर की साइड भी ये खास करके सचिन जी ने ही कस्टमाइज़ किया है ये, और ये इसीलिए है क्योंकि ये हारमोनियम मुझे मेरे पिताजी ने तोहफे में दिया है, तो इसीलिए इन्होंने ये कस्टमाइज़ करवाया है। अब इसको मैं आपको और अगर बेहतर तरीके से दिखा पाऊँ यहाँ से तो आप देखेंगे इसका ये पंप है जिसको मैं चला रहा था, अभी इसको मैं पूरा बंद करके खोल के भी दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से मालूम चल जाएगा। ये इसकी बनावट है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ये मेरे जन्मदिन पर मेरे पिताजी ने तोहफे में दिया है। इस तरह से ये इतना बड़ा आप देखेंगे इसका पोर्शन रहता है, और इसी तरह का पंप ऑर्गन हुआ करता था। अब आप आजकल देखते हैं तो सिर्फ इतना सा पोर्शन होता है, ये जो है इतने समय हारमोनियम होता है, और ये जो नीचे का है ये यहाँ आ जाता है पीछे और यहाँ हाथ से चलता है, लेकिन ये पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं चेंज्ड है। अब ये पैक भी हो जाता है, पूरा अंदर की तरफ जाएगा ये, और जो मैं हम करके दिखा देते हैं एक बार, सचिन जी एक बार इसको बंद कीजिए, हाँ वो जेब में रख लीजिए। अब देखेंगे आप ये किस तरह से बंद होता है। सबसे पहले इसको पीछे कीजिए, ये पीछे होगा, बैठ जाइए थोड़ा सा घुटनों के बल, बटन स्टॉपर बंद, सारे स्टॉपर्स बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो टूट सकते हैं फंस सकते हैं नीचे लॉक। अब आप हाँ ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए दोनों साइड लॉक रहते हैं, ये पहला लॉक ऊपर कीजिए, ये लॉक ऊपर हुआ तो अपना दूसरा लॉक ऊपर अपने आप हो जाता है जी। ऊपर हैंडल पकड़े वापस, खड़े हो जाइए, एक पैर से दोनों बैलों दबा दीजिए, पेडल्स नीचे जाएंगे, धमन नीचे गई है, सारा क्रॉस कीजिए, अपना फोल्ड हो जाता है टेबल की तरह, जैसे बंद होगा फोल्डेबल, ये आपका हारमोनियम नीचे कीजिए, यहाँ से बंद हुआ है, ये हो गया आपका पूरा, आपका बंद हो गया जैसे नॉर्मल हारमोनियम, अभी देखने में नॉर्मल हारमोनियम जैसा ही लग रहा है, वैसे देखने में तो ये जैसा लग रहा है, मगर फिर भी। अब एक जरूरी बात बताइए, इसका वजन कितना होगा? इसका 35 से 40 किलो तक वजन रहता है, 35 से 40 किलो का इसका वजन है, पूरे बॉडी सागवान ही है इसलिए सागवान की लकड़ी, पुरानी लकड़ी रहती है पूरी, बिल्कुल। और नॉर्मल हारमोनियम का कितना वजन रहता है? नॉर्मल उमूमन हारमोनियम का जो नॉन स्केल चेंजर हारमोनियम होगा, अगर 15-20 किलो तक जाता है, 15-20 किलो का थ्री लाइन का हारमोनियम रहता है, साइज के हिसाब से वो वजन रहता है, लकड़ी कौन सी यूज करती है, साग के लकड़ी में तो 15-20 किलो जाता है। तो नॉर्मल अगर आप कौन सी लकड़ियों का हारमोनियम बनता है,
मोस्टली अपने पास सागवान का ही हारमोनियम बनता है, सागवान का रहता है जो आप लोग बनाते हैं। हाँ। वो सागवान का रहता है, वरना टीक वुड भी होता है, एक ओक वुड भी होता है, उसका भी चीड़ की लकड़ी देवदार की लकड़ी बनती है, देवदार का एरिंडिक की लकड़ी से बनती है। बिल्कुल, वो तो बहुत हल्के वजन रहते हैं लेकिन वो सीजन बाय सीजन नहीं चलता। बिल्कुल, जैसा कि आप लोग मेरे चैनल पर कई बार देख चुके हैं, मैंने टाइप्स ऑफ हारमोनियम पर बहुत बात करी है, जिसमें नॉन स्केल चेंजर, स्केल चेंजर, हर प्रकार के हारमोनियम को मैंने डिस्क्राइब किया है। कि जो नॉन स्केल चेंजर्स हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार के मैंने बताने की कोशिश करें कि ये उमूमन जो ज़्यादातर लोग लेते हैं, जैसा कि ये भी अभी बता रहे थे, देवदर बॉडी, वो अमृतसर या पंजाब में भी जो बनता है दिल्ली मेड, वो वही वाली रहती है जो नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं, या यूँ कहें नॉर्मली लोग जानते हैं उनके बारे में, है ना। ये जो खास इनका साउंड आप सुन रहे थे, ये बहुत रेयर साउंड है। अगर आपने नाम सुने हो तो DS राम सिंह या और भी कई सारे हारमोनियम मेकर्स रहे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनका खास करके जो साउंड है वो बहुत मशहूर था, क्योंकि ये साउंड इज़ वेरी मेलोडियस, है ना। इसको हम एक बार इसका रीड वो पीछे का भी दिखा दें, अब इसको एक बार ओपन करने का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। इस तरह से ये खुल रहा है, ये लॉक ऊपर कीजिए, ये लॉक ऊपर गया, हैंडल को पकड़िए, सीधा खींचिए, ये सीधा का सीधा आ गया, और ये नीचे जाके एक बार आपको पकड़े रखना है, और ये पांव से साइड में भी पकड़े रखना है ताकि नीचे से वो जो लॉक है राइट साइड का खींच के अपने, बिल्कुल ये खुल गया। अब इसका ये लिड ओपन होगा और आप देखेंगे कि किस तरह से अंदर का मैकेनिज्म क्या है। ये तो इसका कीबोर्ड है और ये वगैरह चीज़ें हैं, लेकिन ये आप देखें, सबसे पहले तो वो जो ड्रोन्स आपको देखने को मिल रहे थे वही हैं, जो इस साइड में लगे वो ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स का साउंड यहाँ से निकलता है और इस ही को मेल फीमेल रीड कहते हैं। ये रीड लाइन है जो आप देख सकते हैं, इसमें तीन हैं, जैसा कि मैंने कई बार अपने चैनल पर बताया, 2 रीड लाइन का हारमोनियम होता है जिसमें ये दो ही होंगी, है ना, फिर एक 3 रीड लाइन का होता है जो ये है। तीन प्रकार के साउंड, बेस, मेल और फीमेल, तीनों इसमें देखने को मिलते हैं, है ना। या तो बास मेल होता है, या मेल फीमेल होता है, मेल मेल होता है, ऐसे कई सारे होते हैं इसमें। और ये साउंड आपको सुनने को मिले, अच्छा ये इससे भी ऊपर खुलता है, बहुत बढ़िया। ये इसके स्टॉपर्स के, ये स्टॉपर्स के एक साइड का पंप मारते तो ये देखिए एयर से हवा निकल रही है, बिल्कुल हवा निकल, एयर यहाँ से आके इसके अंदर जाता है, अंदर बैलो रहते हैं, बिल्कुल। जब अपन स्टॉपर खींचते तो ये नॉब अपने आप ओपन हो जाता है, बेहतर। आप देख सकते हैं इसका स्टॉपर्स को अगर बाहर निकालना हो तो ये स्टॉपर्स का ही सेक्शन है, जो यहाँ से अगर मैंने पुश किया तो आप देखेंगे ये एक स्टॉपर ये बाहर आ गया है, ये इन्होंने यहाँ से खींचा, इसका मूवमेंट यहाँ से है, ये बहुत बढ़िया। और ये क्या चीज़ है इसमें, ये स्टॉपर्स, ये भी स्टॉपर्स का ही है, ओके। जो ये देखिए ऐसे ओपन होते हैं, ये स्टॉपर खींचेंगे तो इसको लगता है, तो इसको बिल्कुल ये प्रेस करता है, बिल्कुल प्रेस, तो यहाँ से एयर ऊपर आ जाता है, बहुत बढ़िया। जो सेक्शन में चाहिए उस हिसाब से जी 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 कर सकते हैं, उसको बंद कर दीजिए। देखिए इतना मैकेनिज्म जाता है एक हारमोनियम बनने के पीछे, और बड़ा डेलिकेट मामला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसमें ज़रा समझाएं आप कि बास रीड कौन सी है, मेल फीमेल कौन सी है। बास वाला, ये बास रीड है जो आपने देखा सबसे भारी वाली थी, मिडल में मेल है, ये मेल है, ओके। तीसरा वाला फीमेल, ये फीमेल है। आप इसमें कुछ नाम भी पड़ा है, आप जरा उसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्राइब करें, ये नाम किन का लिखा हुआ मेरे के रीड है, जैसे ऑर्डर रहेगा उसी हिसाब से रीड लगा के मिलता है, बिल्कुल। लेकिन हमको जो बेटर लगते हो ये लगाते हैं जी, क्यों मोहनलाल साहब की जो रीड है वो बड़ी मेलोडियस रहती है, क्लोज टू वोकल्स रहती है, ओके। तो ये बास मेल फीमेल तीन रीड आपने देखी, और यही ट्रिपल रीड लाइन का हारमोनियम हो गया, और ये ट्रिपल रीड लाइन में एक अलग सी खनक होती है। अच्छा, उमूमन हारमोनियम में एक कपलर नाम की चीज़ होती है जो यहाँ साइड में होती है, जो इसमें नहीं है। कपलर से क्या होता है, सिंपल है कि ये सुर मैंने दबाया तो ये ऑटोमेटिकली दब जाएगा या ये ऑटोमेटिकली दब जाएगा, और इसका ये मतलब हुआ कि वो पंप ज़्यादा लेगा, हवा ज़्यादा लेगा और साउंड ज़्यादा भरा हुआ देगा आपको, जो इसमें नहीं है, क्योंकि ये एक ख़ास करके इंस्ट्रूमेंटल हारमोनियम है, और इंस्ट्रूमेंटल हारमोनियम में जो है सिंगल साउंड ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कपलर वाला साउंड हवा भी ज़्यादा लेता है, धमन भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, प्लस वो है कि वो वोकल्स को ज़्यादा अच्छे सपोर्ट करेगा, तो वोकल्स के लिए है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टॉपर्स हैं, ड्रोन्स हैं, बड़ा ही अच्छा मैकेनिज्म इस हारमोनियम का है पूरा, अगर आप दूर से देखते हैं तो इतना बड़ा ये हारमोनियम आपको देखने को मिलता है। ये बहुत पुराने स्टाइल का विंटेज जिसको आप कहेंगे हारमोनियम है, और ये आजकल जैसा कि इन्होंने बताया कि ये रेयर है, लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि देख भी सकते हैं आप, जैसा कि इन्होंने वज़न बताया इसका, बनाने वाले भी बहुत कम है, बिल्कुल बनाने वाले भी बहुत कम है। जो एक ख़ासियत हमको इस हारमोनियम के बारे में जानने को मिली है वो यही है कि जितनी चीज़ रेयर है तो उसको बनाने वाले भी रेयर ही होंगे, है ना, कि हर कोई मिलेगा नहीं जो इसका मैकेनिज़्म समझ पाए,
इसको रिपेयर भी कर पाए इनफैक्ट, क्योंकि बड़ा डेलिकेट मामला है, इसके जो पार्ट्स हैं है ना वो भी बड़ा मुश्किल होता है। नमस्कार, मेरा नाम वाड़का सचिन है, मैं मुंबई से आया हूँ और मेरा मुंबई में हारमोनियम बनाने का फैक्ट्री कोपर खेरेने में। मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, SS2 सेक्टर 17 रूम नंबर 750 कोपर खेरने, पिन कोड 400709। मेरा मोबाइल नंबर है 8097219375। तो जैसा कि कई वर्ष पहले मैंने एक हारमोनियम के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो जाने अनजाने में वीडियो हमारे चैनल के लिए बहुत लकी साबित हुआ, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ हारमोनियम समझाए थे, और लेकिन उससे कन्फ्यूजन हो गया लोगों को कि मैं हारमोनियम बनाता हूँ या फिर मेरी हारमोनियम की दुकान है, ऐसा लोगों को लगने लगा। तो उसके चलते हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आई, तो जब भी कोई आज भी आती हैं है ना, मैंने कई बार इनफैक्ट अपने वीडियोज़ में भी जिक्र किया और अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाया कि भाई मैं हारमोनियम सिखाता हूँ, ना बेचता हूँ ना बनाता हूँ, लेकिन फिर भी कई लोग हमसे संपर्क करते हैं और हम जिन मैन्युफैक्चरर्स को जानते हैं तो हम उनसे भिजवाते भी हैं हारमोनियम। तो आप सभी लोगों ने अभी सचिन जी के बारे में भी जाना, जो एक रेयर टाइप ऑफ हारमोनियम बनाते हैं। मेरे ख्याल से नॉर्मल वाले हारमोनियम आप बनाते हैं, उनकी क्या रेंज रहती है, प्राइस रेंज, क्योंकि वो भी जनता जानना चाहिए। 12,000 से लेके आप 1.5-2 लाख तक हारमोनियम मिल सकते हैं, जैसी क्वालिटी रहेगी वही उस हिसाब से उसका दाम रहता है। बिल्कुल, हाँ, क्वालिटी और दाम का तो ऑफ कोर्स आप सभी लोग समझ सकते हैं। क्वालिटी चाहिए तो अमाउंट ज़्यादा रहता है, बेसिक रहेगा तो उस हिसाब से हो जाता है। तो ये जो हारमोनियम हमने अभी दर्शकों को बताया, ये अगर लोगों को चाहिए तो कितना लोगों को खर्च करना पड़ेगा, या क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हारमोनियम बन जाएगा? इसका अमाउंट वैसा नॉर्मल हारमोनियम पौने चार ऑक्टेव का रहता है, लेकिन सवा चार ऑक्टेव का, इसलिए 1 लाख के ऊपर है। पौने चार ऑक्टेव या सवा चार ऑक्टेव जो इन्होंने अभी बताया, जैसा कि मैंने वीडियो में भी दिखाया था, ऑक्टेव यानी एक सप्तक होता है, यानी सा से सा तक, ये सा से सा होता है। ऐसे ही सा से सा कितने हैं, सा से सा, इधर भी सा से सा है, इधर भी सा से सा है, जैसा कि मैंने दिखाया भी था। तो ये पौने चार ऑक्टेव आपने बताया, नॉर्मल साइज रहता है, और इसमें ये थोड़ा ज्यादा है, वो जरा सस्ता मिल जाता है, रेगुलर साइज है। बिल्कुल, तो ये दो हाथ से बचता है, जैसे पियानो बचता है, एक साइड आप कॉर्ड लगा सकते हैं, एक साइड आप लीडिंग कर सकते हैं, या दोनों साइड लीड कर सकते हैं, जैसा भी आपका आपको जैसा बजाना आता है। ये हारमोनियम पर 70,000 से स्टार्ट है। ओके, 70,000 से 1.5 लाख तक इसका प्राइस रहता है, इस ही हारमोनियम, सेम हारमोनियम इसका। इसमें स्पेसिफिकेशंस बदल जाते होंगे, जैसे रीड पूरा नहीं रहेगी, जैसे पेरिस हो, कुकड़ हो, जर्मन हो। हाँ, ये भी जान लीजिए, जो अभी मैंने आपको साउंड सुनाया और जो पीछे दिखाया, ये कई प्रकार की रीड होती है, जैसे कि गुजरात में पूरा बॉडी नाम ले रहे हैं, एक ही लकड़ी में बनी है, अखंड लकड़ी पूरा। अच्छा, एक ही लकड़ी का ये, एक ही काट का बनाया गया। अगर ये जॉइंट में बनाएंगे तो ये हारमोनियम सस्ता हो जाता है। ओके, लेकिन उसका लाइफ कम होगी, ऑफ कोर्स वो कमजोर हो जाएगा, जल्दी कमजोर होगा। अच्छा, इसका मौसम पे क्या असर होता है? जो उमूमन मतलब बंगाल में जो बनते हैं हारमोनियम, वो मॉइस्चर या AC डिमांड करते हैं, ऐसा इसके साथ है? नहीं नहीं, जो हम हारमोनियम बनाते हैं पूरा हाथ से बनता है। ओके, जरा भी इसका यूज ये नहीं होता, मशीन से यूज नहीं होता, इसलिए इसमें कुछ दिक्कत नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं है कि अगर मौसम बारिश का हो या ऐसा हो तो वो साउंड कम हो जाएगा, हवा की प्रॉब्लम आती है? कभी प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, क्योंकि हमारा बिजनेस 55 साल से चल रहा है। अरे वाह, और मैं खुद 18 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जो कीबोर्ड बैठने का प्रॉब्लम आता है वो हमारे हारमोनियम में तो अभी तक कभी आता नहीं, और रेयर प्रॉब्लम है। एक खास बात भी लोगों को बताने की है, उमूमन स्केल चेंजर लोग प्रिफर करते हैं, जिसमें कि बजाने में सहूलत हो, उन्हें एक जगह से बजाना आता हो तो वो चेंज कर देते हैं तो पिच बदल जाता है। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी जो इसमें नहीं है वो ये है कि इसकी कीज़ आपने देखें कि कितनी स्टिफ और कितनी मजबूत हैं, यानी आप देखेंगे तो वो की ऐसे फ्लिकर नहीं करती, अगर उसको आप एक बार दबाते हो, इतनी हल्की नहीं है। तो वो कीज़ क्या है, बजाने में उतनी स्टेबिलिटी नहीं देती है स्केल चेंजर की, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी स्टेबिलिटी दे रहा है और बजाने में बहुत ईज़ महसूस हो रहा है, और लकड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ख़ास करके जो कीज़ की क्वालिटी वो बहुत यूनिक है, प्रीमियम है, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो रीड भी है वो भी प्रीमियम क्वालिटी की रीड है। तो जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि स्केल चेंजर हारमोनियम उमूमन बंगाल में बनते हैं, या जिन रीड्स का आपने नाम लिया वो गुजरात की हैं, कि वालुकड़ है या कुक्कड़ है या भावनगर है, पालीताना है, ये गुजरात की जगहें हैं जहाँ पर इनकी ये जो रीड्स बन रहे हैं, जो नीचे आप देख रहे हैं, ये क्या मटेरियल होता है पीछे हमने जो देखा, गोल्डन सा? गोल्डन का मिक्सिंग रहता है सब। हाँ, प्योर ब्रास नहीं रहता, मिक्सिंग में रहता है ब्रास, और उसके साथ कई मटेरियल मिक्स रहते हैं। ठीक है,
और इसको ट्यूनिंग करने का भी हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें पूरा हारमोनियम कैसे बनता है उसका भी प्रोसेस हमने समझाया है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देखिएगा कि कैसे उसकी जो पत्तियाँ होती हैं पीछे जो आपने देखी हैं उन्हीं को शार्पन या फिर थोड़ा थिकन करके यानी उनको घिस कर बेसिकली, अगर वो जितनी पतली होंगी हायर सुर बोलेगा और जितनी मोटी होगी वो लोअर सुर बोलेगा, भारी सुर बोलेगा, मेरे ख्याल से सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस भी हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, लेकिन ये एक यूनिक चीज़ है जो मेरे ख्याल से हमारे चैनल पे जितने लोग हैं, जितने लोग जुड़े हैं और हारमोनियम की वजह से ही मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग हमारे पास आए और जुड़े, और भी विषय हम सिखाते हैं लेकिन हारमोनियम को क्योंकि ये बहुत एक बहुचर्चित वाद्य यंत्र है, एक बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादातर लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, सीखते हैं और ये गाने में हेल्पफुल होता है, जिसको भी सुर समझना होता है वो हारमोनियम इस्तेमाल करता है। अच्छा, मैं आप सभी लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ, इसकी प्राइस रेंज वगैरह जो इन्होंने बताई, लेकिन मैं ये आप लोगों को बिगिनर्स को सजेस्ट नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से आप भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि कोई एकदम से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अफोर्ड न कर पाना एक दूसरी चीज़ होती है, एक ये है अफोर्ड कर भी सकता है बंदा, लेकिन उस विषय में रहे रहे न रहे उसकी गारंटी नहीं होती। हाँ। उसने सीखना तो अभी शुरू कर रहेंगे, एग्जैक्टली ये वो चीज़ है, जैसे प्रोफेशनल हो गए तो कर कीजिए, प्रोफेशनल है तो कीजिए, जैसा कि इन्होंने भी सजेस्ट कर दिया। ऐसा ना सोचें आप कि जस्ट बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक थिंग, लेने के लिए कोई जिसके पास पैसा है वो कोई भी खरीद सकता है इसको, लेकिन यूज होना चाहिए, यूज होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसको बनाने में मेरे ख्याल से बहुत वक्त लगता है। प्रोसेस अगर इनका देखेंगे कभी फैक्ट्री में, हम जरूर दिखाएंगे आपको, तो कुछ महीने लगते हैं इसको बनाने में, कम से कम एक महीने का तो टाइम, एक महीना तो सिर्फ बनावट में जाता है, हां, पर उस हिसाब से टाइम लेना पड़ता है, दो तीन महीने का तो ऑर्डर, ओके, वो सारा प्रोसेस है इसका जो देख रहे हैं आप, इतना टाइम लगता है हारमोनियम को बनने में। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इसको बनने में भी बहुत वक्त लगता है, ऐसा नहीं है कि आप दुकान पे गए और आपने जाके बोला कि एक लेग हारमोनियम दे दो तो उनके पास बना पड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है, कस्टम मेड चीज़ है ये, हमें भी इतने वर्ष हो चुके हैं और अब जाके हमने ये हारमोनियम लिया है, तो ऐसा मैं किसी बिगिनर को सजेस्ट नहीं करूँगा। बिगिनर को किस प्रकार का हारमोनियम लेना चाहिए उस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, और अलग से आप मुझे संपर्क करेंगे तो मैं वहाँ भी बता दूंगा, वो भी हारमोनियम मेरे ख्याल से आप बनाते हैं और उसकी जो प्राइस रेंज है वो 10,000 की भी आ जाती है, 10,000 में एक अच्छा हारमोनियम आ जाता है, जो इस प्रकार का नहीं होगा, नॉर्मल आपका हारमोनियम होगा जो आप गद्दे पर रख के बजा सकते हैं, उसकी धमन भी पीछे होगी तो बजाने में भी आपको सहूलत होगी और ईज है, एक हाथ से बज जाएगा, ये थोड़ा पियानो स्टाइल में बजता है, ये अलग है, और वो 10,000 से शुरू होता है, और जैसा कि आपने इन्होंने अभी बताया आपको, ये 1,50,000 तक ये हारमोनियम जाता है, और इससे भी ऊपर के हारमोनियम आते हैं जो नॉर्मल हैं, पोर्टेबल हैं, और वो मेरे ख्याल से 3-4 लाख तक भी जाते हैं, जो स्केल चेंजर हारमोनियम होते हैं और रेयर क्वालिटी होते हैं, डी एस राम सिंह के होंगे या फिर और भी किसी अच्छी कंपनी के होंगे, तो वो इतने महंगे भी हारमोनियम जाते हैं। तो ये रेंज है, हर चीज़ में होती, कोई सी भी चीज़ आप लेते हैं तो सस्ती से सस्ती भी मिल जाएगी, जैसे हारमोनियम ऐसा नहीं है 5-6 हज़ार के भी मिलते हैं, है ना, ऑनलाइन मिलते हैं, अमेज़न पे या किसी भी वेबसाइट पे आप देखेंगे 5-6 हज़ार के भी हारमोनियम मिलते हैं, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं है, है ना, वो वोकल सपोर्ट के लिए नहीं है। तो सीखने के लिए अगर आप लोग सोचते हैं कि किस हारमोनियम से शुरुआत की जाए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 10,000 to 15,000 का आप हारमोनियम लीजिए एक बार के लिए, और ऐसा नहीं है कि हारमोनियम में इट इज़ लाइक अ फ़ोन कि आपको अपडेट करना पड़ेगा हर साल में, ऐसा नहीं है, है ना, एक 10 से 15 हज़ार का हारमोनियम है, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है और वो आपको वोकल सपोर्ट भी देगा। 2 या 3 रीड लाइन का हारमोनियम मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो मैं डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं उसके लिए वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन ये उसका प्रोसेस होता है। तो अब इसको सीखना कैसे है, बजाते कैसे हैं, उसके लिए तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती ही हैं, वहाँ अगर आप संपर्क करते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे हारमोनियम बजता है और कैसे हाथ रखा जाता है और क्या अलंकार ताने वगैरह कैसे इसमें बजते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा सचिन जी आपसे मिलके, और बहुत बहुत शुक्रिया इस अनमोल तोहफे के लिए कि इसको आपने बनाया और इसको आपने रचा है। इसका मैकेनिज्म इतना मुश्किल है कि एक रेयर चीज़ एक रेयर व्यक्ति से मिलना भी हो गया है ना, तो ज़रूर मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी जनता है, वो आपसे कांटेक्ट करेगी, और ये इसी प्रकार के हारमोनियम क्योंकि लोग सीखें, इंडियन क्लासिकल की तरफ भी उनका रुझान रहे, ऐसी मेरी और इनकी कोशिश है कि वेस्टर्न की तरफ तो हम जा ही रहे हैं, हम गिटार सीखते हैं, हम कीबोर्ड सीखते हैं, हम ड्रम वगैरह की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अपना कल्चर हम ना छोड़ें तो बेहतर। वैसे ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम कि भारत ने तो हमेशा अपनाया ही है, तो इसको हमने अपनाया और अपना बना लिया और इसको अपने ही अंदाज़ में हम बजाते हैं। एग्जैक्टली, इंडिया हो गई, जैसे वायलिन भी हमारा नहीं था लेकिन वायलिन को भी हमने एक्सेप्ट किया और उसको आज हम कर्नाटक म्यूज़िक में देखते हैं कितना इस्तेमाल होता है, है ना। और जब अमीर खुसरो साहब आए तो उन्होंने ख्याल गायकी का निर्माण किया, वो भी आज हमारे उसका हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, वरना हम तो द्रुपद गाया करते थे और वो सब था। लेकिन हाँ, वेस्टर्न को भी हम अपना रहे हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्टर्न म्यूज़िक को हम नहीं सीखेंगे या उसको धुतकारेंगे, नहीं, ऑफकोर्स वी हैव टू बी अपडेटेड टू द टाइम,
कि वक्त के साथ चलना ही हर किसी के लिए बेहतर होता है, तो वो तो करना ही है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम हमारे कल्चर को यू नो छोड़ दें या भूल जाएं, हारमोनियम ना सीखें, वो भी सीखिए, आपके काम आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी ये वीडियो देखने के लिए। कॉन्टैक्ट करें हमसे, कॉन्टैक्ट करें सचिन जी से, और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की हमारी तरह आप भी सेवा करते रहें। बहुत शुक्रिया।